तो सेथ रॉलिंस पर रिसेंटली हमला होता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक फैन की तरफ से, और फाइनली जो उस फैन है उसने अपना रीजन रिवील कर दिया है कि उसने सेथ रॉलिंस को स्पीयर देने के बाद उन पर किया हमला। बहुत से लोगों का कहना यह था कि भैया फिन बैलर का फैन था, बहुत से कहना यह था कि भैया ये WWE का स्क्रिप्टेड मोमेंट था ताकि फैंस को वहां पर वो एंटरटेन कर पाए, लेकिन फाइनली जो रियल रीजन है वो आया सामने। और रीजन सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि भैया क्या महान इंसान होते दुनिया में। साथ ही अपने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में भी करेंगे बात, जो कि फाइनली आ चुकी है सामने। रोंडा राउजी ने ये बात रिवील कर दी कि वो स्टिल WWE कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर नहीं, और WWE ने अपने एक और बड़े ऑफिशियल को आज कंपनी से कर दिया रिलीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग के साथ में। इस हफ्ते का जो रॉक एपिसोड था ये सर्वाइवर सीरीज के बाद का फॉलआउट वाला शो था। शो पर काफी सारी चीजें होती हैं, एक तो मेन हाईलाइट सेथ रॉलिंस के अटैकर वाली थी, इसके अलावा मेन इवेंट के अंदर ऑस्टिन थ्योरी अंडर ढूंढ कर लाते हैं विंस मैकमैन के लिए और उनको मिलता है WWE का टाइटल शॉट। बिगी और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होता है और शो के जो मेन इवेंट है मेरे हिसाब से काफी अच्छा मैच था, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। आर के ब्रो वाली चीज हमने देखी, लेकिन फाइनली जो रेटिंग्स है वो आ चुकी है सामने। और इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा आई है, क्योंकि इस हफ्ते रेटिंग पहुंच चुकी है 1.698 मिलियन व्यूवरशिप तक, और जो डेमोग्राफिक रेटिंग है वो 0.49 आई है। अगर मैं बात करूं इससे पिछले हफ्ते के बारे में, पिछले हफ्ते 1.585 रेटिंग्स आई थी और जो डेमोग्राफिक रेटिंग्स है वो 0.42 आई थी। तो पिछले हफ्ते के मुकाबले ऑलमोस्ट 100 केसेस ज्यादा का यहाँ पर उछाला है रेटिंग्स के अंदर, और डेमोग्राफिक रेटिंग भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है। तो इस हफ्ते का जो रॉ है फाइनली मेरे हिसाब से अच्छी रेटिंग्स गेन कर पाया। उसका मेन रीजन है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद फैंस एक्साइटेड थे कि क्या कुछ चीजें होने वाली, लेट्स सी कि जो WWE है अब वो इस व्यूअरशिप को मेंटेन कर पाती या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है। बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या जो रोंडा राउजी है वो WWE के अंदर वापस आएंगी या फिर नहीं, क्या जो रोंडा राउजी है वो स्टिल WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार स्पैम होता है रिसेंटली फेसबुक की उनकी गेमिंग की स्ट्रीम के ऊपर, और रोंडा राउजी जब फेसबुक पर स्ट्रीम करती है अचानक से जो पूरा चैट रूम में पूछता है कि भैया आपका स्टिल WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो, क्या WWE के अंदर आप वापस आने वाले। तो फाइनली जब रोंडा राउजी इसको पढ़ती हैं वो हमें अपना रिएक्शन देती हुई नजर आती हैं। वो कहती है काफी सारे लोग चैट रूम के अंदर ये बात पूछ रहे हैं क्या मैं स्टिल WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में हूँ या फिर नहीं। तो देखो टेक्निकली मुझे खुद नहीं पता मैं हूँ या फिर नहीं, हो सकता है मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, हो सकता है मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में ना भी हूँ। वैसे ये जो क्वेश्चन है तुम्हें मेरे लॉयर से पूछना चाहिए क्योंकि ये वकीलों वाला सवाल है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल मैं स्टेफनी मैकमैन के साथ लगातार बातचीत करती रहती हूँ क्योंकि सही में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसान है। हम लोग अपने बेटा बेटी की जो भी ना बेबी पिक्चर्स है वो शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से। साथ ही बता दें SSS से भी उनकी लगातार बातचीत होती थी, लेकिन जब से SSS का वो हार्ट सर्जरी वाला पूरी चीज़ हुई है उसके बाद से रोंडा राउजी की बात नहीं हुई है। रोंडा राउजी होप करेंगे कि जो SSS है पूरे तरीके से काफ़ी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ये वो कुछ बातें जो कि रोंडा राउजी ने बताई कि उनके हिसाब से वो WWE कॉन्ट्रैक्ट में हो भी सकती हैं, वो WWE कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो सकती हैं, लेकिन जो WWE के साथ उनके अभी फिलहाल रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, स्पेशली स्टेफनी मैकमैन के साथ वो लगातार बातचीत हमें करती हुई नजर आती हैं। अब चलो इसे ये बात तो कन्फर्म है कि जो रोंडा राउजी हैं अगर एक बार फिर से वापस आना चाहती हैं WWE में, एक बार फिर से वो अपने रिटर्न करना चाहती हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होगा आई बट WWE उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है। वैसे रोंडा राउजी को क्या आप लोग देखना चाहोगे वापस या फिर नहीं WWE रिंग के अंदर, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो एक और WWE ऑफिशियल के बारे में जुड़ी है, और आज एक और WWE के लंबे ऑफिशियल को लॉन्ग टर्म ऑफिशियल को WWE से दे दिया गया रिलीज। एक्चुअल में ये जो NXT का प्रोड्यूसर है उसने खुद WWE से अपने रिलीज के बारे में कहा था। उस बंदे का नाम है स्कॉट गार्लैंड, WWE के अंदर वो पहले भी कम्पीट कर चुके हैं। रिसेंटली करते हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर स्टोरी टाइप में पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वो बताते हैं कि आज उन्होंने WWE से यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से अपना रिलीज मांग लिया। आज से 30 साल पहले वो WWE रिंग के अंदर आए थे पहली बार में, और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 100 बार अपने जो सपने उनको पूरे अच्छे तरीके से जी लिए। उनके पास काफी स्पेशल मेमोरीज है, स्पेशली लास्ट 5 ईयर की जब उन्होंने NXT के साथ एज प्रोड्यूसर एज कोच काम किया है। जो ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड है उनके लिए काफी स्पेशल रहती है, उनके लिए काफी अलग मीनिंगफुल चीज रहती पूरी जिंदगी के अंदर, और उनके पूरे करियर की जो मेन हाईलाइट है वो NXT के साथ काम करना डेफिनेटली होगा। लेकिन स्टार्टिंग से उन्होंने अपने आप से एक वादा किया था, वो ये कि अगर आने वाले टाइम में जो चीजें उन्हें पसंद नहीं आती या फिर जो चीजें वो करना नहीं चाहते हैं वो सिर्फ पैसों के कारण वो चीजें नहीं करने वाले हैं, और उसी दिन वो अपना WWE से रिलीज मांग लेंगे। और इसलिए आज वो दिन आ चुका है जब उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं और WWE से उन्होंने अपना रिलीज मांग ली, क्योंकि सिर्फ पैसों के कारण वो कोई भी चीजें गलत नहीं करना चाहते हैं। साथ ही मैं NXT का पूरा थैंक्स करना चाहते हैं उनके कोचिंग और प्रोड्यूसिंग के लिए कि भाई NXT स्टार्स को उन्होंने डेवलप करने का ट्राई किया, और वो होप ये करेंगे आने वाले टाइम में NXT और भी ज्यादा आगे बढ़े। और आखिरी में एक इमोशनल लाइन लिखते हैं कि मैं आप सभी से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ इतना कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। अब यहाँ से लगा इस तरह कि उन्होंने अपने WWE रिलीज का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन होता है कि रिसेंटली शाशा
बैंक्स, रिकोशे और भी काफी सारे WWE के NXT के मेनली स्टार्स या फिर मेन रॉस्टर के बड़े स्टार्स भी उनका थैंक्स करते हुए नजर आते कि थैंक यू सो मच स्कूटी पूरे अपने WWE के करियर के लिए जो आपने NXT के अंदर हमारे साथ किया, जो बैक स्टेज के ऊपर आपने हम सभी की मदद की और लगे ऐसे कि WWE से उन्हें रिलीज दे दिया गया। एक लंबे टाइम से वो एम्प्लॉय थे WWE के अंदर, लेकिन अब उन्हें लगा चीजें उनके हिसाब से नहीं जा रही है, यही वो रीजन है कि उन्होंने WWE से अपना रिलीज मांग लिया। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है और फाइनली सेथ रॉलिंस के सर फिरे अटैकर ने बात रिवील कर दी है क्या वो रीजन है क्यों उसने अटैक किया था सेथ रॉलिंस पे। होता है जैसे हमने देखा कि रिसेंटली भैया वो न्यूयॉर्क पुलिस के डिपार्टमेंट में जाता है, उसे जेल वगैरह भेज दिया जाता है, लेकिन ऑफकोर्स कोर्ट के अंदर डेट जाती है और उसके बाद उन्हें बेल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। अब बेल से रिलीज होने के बाद वो जो बंदा है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें काफी सारी स्टोरीज पोस्ट करता हुआ नजर आता है। उस बंदे का जो ट्विटर अकाउंट इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका नाम है रॉयल फॉरेन फैटो और जो काफी सारी स्टोरीज है उसके स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। अब भाई मैं एकदम वाहियात लोगों की तरह पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, सीधा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। पहले WWE का थैंक करता है गोल्डबर्ग, फिन बैलर, इन सभी का जो कि सारी चीजें इसने रीसेंट टाइम में की और उसका कहना ये कि सेथ रॉलिंस का एक बहुत ही बड़ा चहेता था। अब था का मतलब ये कि आज से काफी टाइम पहले यानी कि साल 2019 में उसके साथ एक ऐसा स्कैम हुआ जिसके कारण वो सेथ रॉलिंस को पीटना चाह रहा था इतने दिनों से। वो काफी सारे स्क्रीन शॉट हमें यहाँ पर शेयर करता हुआ नजर आता है और स्क्रीन शॉट्स के अंदर हमें ये बात पता लगती है कि भैया वो एक ऐसे बंदे से बात कर रहा था जिसने नाम अपना सेथ रॉलिंस रखा था लेकिन वो जानबूझ के इस बंदे से पैसे ऐंठने में लगा हुआ था। मैंने देखे भाई स्क्रीन शॉट्स पढ़े, आप भी एकदम शांति से पढ़ सकते हो वरना बहुत टाइम हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, होता क्या यहाँ पर वो बंदा बीच बीच में पैसों की डिमांड करता है और जब इसके पास पैसे नहीं बचते वो कहते तुम्हारे पास अमेज़न का जो कार्ड वगैरह ना उसे जो गिफ्ट कार्ड है उसे पूरे तरीके से तुम रिडीम कर लो, जो $500 है मुझे अभी के अभी चाहिए। अब यहाँ पर पैसे वाला जो पूरा सिलसिला चलता रहता लगातार एक नहीं बहुत दिनों तक और जब इस बंदे के पास पैसे खत्म हो जाते तो वो जो सामने वाला फेक सेथ रॉलिंस है वो उसे रिप्लाई देना बंद कर देता है। इवन एक वीडियो भी शेयर करता है जहां पर दिखाते हैं कि बेकी लिंच ने भी इसे इंस्टाग्राम के ऊपर ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब यहां पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि वैसे WWE सुपरस्टार्स और भी लोगों को ब्लॉक करते हैं, ऐसा थोड़ी कि सेथ रॉलिंस के साथ इतना फंडा हुआ। उसके बाद साल 2019 में जबकि इनके ऐसे कोई र्यूमर भी नहीं थे उस टाइम सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के रिलेशनशिप के और वहां पर बेकी ने तेरे को ब्लॉक कर दिया। साथ ही में यहां पर ये कहते हैं कि भैया ये जो सारी चीजें इसने की हैं वो ब्लड लाइन के लिए की हैं, वो रोमन रेंस के लिए की हैं, वो जिमी जे ऊसो के लिए की हैं और जो सारी चीजें इसने की हैं उसके ऊपर उसे काफी ज्यादा नाज है, काफी ज्यादा प्राउड है और बिल्कुल भी वो शर्मनाक नहीं है इस बात से कि उसने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया था। ये उसकी पर्सनल दुश्मनी थी जो कि फाइनली उसने सेथ रॉलिंस से निकाल दिया कि भैया सेथ रॉलिंस ने साल 2019 में इसे पैसे लिए वो अलग बात है लेकिन इसे रिप्लाई देना क्यों बंद कर दिया। अब कौन समझाएगा इस मंदबुद्धि इंसान को कि भैया वो रियल सेथ रॉलिंस नहीं है, सेथ रॉलिंस की इतनी सैलरी मिलती है वो बेचारा तेरे से बैठ के पैसे मांगे कि भैया मुझे पैसे दे दे पैसे नहीं खाने के लिए। गजब के लोग हैं भाई दुनिया में, मुझे तो मतलब मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं अभी फिलहाल इस बंदे की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। फाइनली भैया ये लो रीजन बार बार पूछी जा रही थी, रीजन क्या क्यों अटैक हुआ, ये वाहियात रीजन है, कैसा लगा रीजन मतलब क्या लगता है कि भैया अगर आप इसकी जगह होते आप भी यही कांड करते, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यही तक थी, फटाफट से लाइक कर देना नीचे वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।